टीवी एक्ट्रेस रूबीना दिलैक बड़ी मुश्किल में फंस गई है। घर निकलने से पहले रूबीना की कार खराब हो गई और उन्हें एक नो नेटवर्क जोन में घंटों फंसे रहना पड़ा। रूबीना ने अपने इस एक्सपीरियंस को फैंस के साथ शेयर किया। आखिर रूबीना कहाँ है और कैसे फंस गई थी और कैसे वो वहाँ से निकल पाई, चलिए आपको बताते हैं। रूबीना के लाइफ के बीते कुछ समय काफ़ी हेक्टिक बीते थे। एक्ट्रेस पहले रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी, फिर झलक दिखलाजा में बिजी थी, लेकिन अब काम से फुर्सत पाकर रूबीना अपने होम टाउन हिमाचल प्रदेश जा पहुंची थी। पहाड़ों में पति अभिनव शुक्ला के साथ रूबीना ने काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, लेकिन वहां से वापसी करना उन्हें भारी पड़ गया। रूबीना ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग वीडियो शेयर किया और बताया कि कैसे उनके वैकेशन का अंत में सत्यानाश हो गया। रूबीना ने बताया कि वापसी करते हुए उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई, उसकी बैटरी डेड हो गई, जिसे चार्ज करने में बड़ी दिक्कत आई क्योंकि वो जिस एरिया में थे वो नो नेटवर्क जोन था। वहाँ मुश्किल से वाईफाई की सुविधा मिल पा रही थी, जिससे कुछ ही कॉल संभव हो सकती थी। ऊपर से वहाँ से ना तो कोई शख्स जाता हुआ दिखाई दे रहा था, ना ही कोई गाड़ी जिससे हेल्प मिल सके। खैर, जैसे तैसे जुगाड़ करके रूबीना ने, पति अभिनव ने गाड़ी की बैटरी को इतना चार्ज किया कि कार स्टार्ट हो सके और वो लोग वहाँ से निकल पाए। रूबीना ने बताया कि उन्हें सुबह 11 बजे ही निकलना था, लेकिन खराब गाड़ी की वजह से उन्हें वहाँ से निकलते हुए 2 बज गए। इस बीच उन्होंने अपनी दोस्त बेनाफ और उनकी बेटी के साथ खूब समय बिताया। आखिरकार जब कार स्टार्ट हुई तो तुरंत सभी कार में बैठकर वहाँ से निकल पाए। रूबीना ने कहा कि हमने इतना अच्छा वक्त बिताया था, लेकिन इस एक इंसिडेंट की वजह से मूड खराब हो गया। रूबीना ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने वहाँ से उन्हें निकलने में और गाड़ी को वापस से ठीक करने में मदद करी थी। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।